हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू क्राफ्टेरिया वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? हमने एक वीडियो बनाया था मंदिर डेकोरेशन के ऊपर, उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस हमें मिला और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि एक और वीडियो हम शेयर करेंगे जिसमें हम बताएंगे एक और तरीका मंदिर को डेकोरेट करने का। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने मंदिर DIY वाला पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जल्दी से देख डालिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो डेकोरेशन हमने किया था फ्लावर्स का, फॉर्म फ्लावर्स का, ग्लू गन की हेल्प से मैंने इन्हें पेस्ट किया था, तो ये बहुत ईजिली वापस निकल भी आते हैं। तो क्योंकि लंबे टाइम से इसे डेकोरेट कर रखा था तो एक दो फ्लावर्स अपनी जगह से निकल भी आए थे। तो ये होता है जब आप चीज़ों को रेगुलरली यूज़ करते हैं तो वो थोड़ी बहुत ख़राब हो भी जाती हैं। तो हम इसकी सारी डेकोरेशन और ये LED लाइट निकाल देंगे। डेकोरेशन में हमने जिस चीज़ का यूज़ किया था हम उसे वापस से रीयूज़ कर सकते हैं। फॉर्म फ्लावर्स को भी हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, इस LED लाइट को भी हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। डेकोरेशन निकालने के टाइम थोड़ा बहुत पेंट भी निकल आया है और इसको हम अच्छे से डस्ट फ्री कर देंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। रेगुलरली दिया जलने से, अगरबत्ती जलने से मंदिर की दीवारों पर एक पीलापन आ जाता है, तो उसको हाइड करने के लिए यहाँ पर हम इसे रीपेंट कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने कौन सा पेंट किया है, कौन सा पेंट आपको करना चाहिए, इसकी फुल डिटेल मैंने अपने लास्ट मंदिर डेकोरेशन में बताई हुई है। अगर आपको वो सब इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा वो वीडियो ज़रूर देखें। और जो पेंट निकल गया है उसे भी हम अच्छे से हाइड कर देंगे। पिछली बार मैंने इसकी छत को पेंट नहीं किया था, इस बार मैं इसकी छत को भी पेंट कर रही हूँ। आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। और जो पेंट निकला हुआ है उसे भी हम अच्छे से हाइड कर देंगे और कवर कर देंगे। तो एक पेंट करने के बाद एक अलग ही लुक आ जाता है। जो ब्रश मैंने यहाँ पर यूज़ किया है पेंट के लिए वो कैमलिन का फ्लैट ब्रश है, इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ बेबी पाउडर और फेविकॉल का, जिसका मैं एक पेस्ट बना रही हूँ जिसे मैं कोन में फिल करूँगी और आगे के स्टेप में यूज़ करूँगी। तो फेविकॉल के साथ आप यहाँ पर बेबी पाउडर की जगह सेरेमिक पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, मार्बल पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। कोन को डायरेक्ट आर्टिकल पे चलाने से पहले आप इस तरह से ट्राई कर लीजिए, इसका फ्लो इस तरह से होना चाहिए। और अब हम इसको डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो आप कोई भी मेहंदी का भी डिज़ाइन यहाँ पर बना सकते हैं, या आप कोई भी इंटरनेट से इजी पैटर्न्स निकाल सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और देखिएगा मेरे मंदिर का बिफ़ोर और आफ्टर लुक, और बताइएगा मुझे कि आपको ये मेकओवर कैसा लगा। आपको मंदिर डेकोरेट करना कितना पसंद है, आप कब कब अपने मंदिर को डेकोरेट करते हैं, या आपको और क्या करना पसंद है अपने मंदिर में, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और कोई भी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं और भी ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए नए से नए आइडियाज़ लेकर आ सकूं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और नए आइडिया के साथ।